अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पे आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो ये उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त कोरिया में जब एटीएम मशीन यूज़ करते हैं उनको मसला होता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर जो मशीनें हैं इधर एटीएम मशीन है उनमें जो है इंग्लिश की उन्होंने ऑप्शन अभी दे दिया हुआ है, लेकिन कुछ जो मशीनें हैं वो अभी भी ऐसी हैं कि जिनमें अभी तक जो है ना इंग्लिश नहीं है, बस कोरियन लैंग्वेज ही मिलेगी। तो उसमें ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको जो तीन चार मेन चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे कैश ट्रांसफ़र करना, कैश विदड्रा करवाना, कैश डिपॉजिट करना और कैश ट्रांसफ़र करना, जो भी ये तीन चार चीज़ें हैं इनके मुतल्लिक मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने मेरे ये आप देख सकते हैं, ये सामने आईबी के बैंक है और इसके साथ, आज तो वैसे संडे है, इसके साथ जो है वो एटीएम मशीन लगी हुई है। उधर मैं जाता हूँ, अभी रेड सिग्नल है आप देख सकते हैं, जो ही ग्रीन सिग्नल होता है तो हम पार कर सकते हैं, फिर मैं उधर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली सिग्नल ग्रीन हो चुका है तो अभी हम उधर जा रहे हैं। फ्रेंड ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये लिखा हुआ है खोजोंग मून कहते हैं फिक्स स्टोर को। आप जितना मर्जी इसको अंदर को खोलेंगे बाहर को खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा, फिक्स है ये, ठीक है। कई जगह पे ये लिखा होता है फिक्स स्टोर, कई जगह पे नहीं लिखा होता, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और दूसरी तरफ है मीरो जूसियो, एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये वाला ये मिशियो है, यानी कि इसको पुश करें। तो हम इसको पुश करेंगे और अंदर जाएंगे। मिशियो का मतलब है पुश करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये मेरे सामने स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कार्ड, फिर हम कार्ड डालेंगे। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये जो सबसे पहले है ना शुल्कम, शुल्कम का मतलब होता है कि कैश है जो है ना विदड्रॉ करवाना, ठीक है। इसको हम दबाएंगे ऐसे, ठीक है, आनियों को दबाना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये खोरे खेसो, यानी कि लगातार आप आगे जाएंगे। इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि खाद फीमेल बोनो, इधर आपका जो सीक्रेट नंबर है वो आपने लगाना है, जो भी आपका सीक्रेट नंबर है, जैसे मैं लगाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने लगा दिया। तो अभी आपने इधर से जितने पैसे निकालने हैं, इसी माना निकालने हैं, समसी माना निकालने हैं, इलमाना ईमान सामान जितने भी आपने निकालने हैं, तो आप इधर इसको, अगर आप इसके अलावा करना चाहते हैं खीथा, खीथा का मतलब होता है कि अदर, आप इसके अलावा निकालना चाहते हैं, यानी कि ये इधर 35 नहीं आ रहा तो आप 35 माना समसी को माना निकालना चाहते हैं, तो आप इधर जाके फिर लिखेंगे कि आपको कितने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो पैसे बाहर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद आपको भी मैं शीशों करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्ड को। ये था पैसे निकालने का तरीका। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो है पैसे डालने कैसे होते हैं, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ये खेवरे खेसो लगातार आप आगे जानेंगे, ठीक है। तो आगे पहले था छुलकम निकालने के लिए, अभी ये है इपकम। इपकम को आप दिखाएंगे ना तो ये खुल जाएगा कि आपने कितने पैसे डालने हैं। ये देखें इपकम किया, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखें छोने ख्योंगम सुप्यो, उन्होंने कहा कि आपने जो है ना नकद, ये जो ह्योंगम है वो पैसे डालने हैं। नंबर दो है छोने सूफे हो कि आपके पास चेक हैं, या उसने कहा कि आपके पास पैसे भी हैं और चेक भी है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे हैं तो फिर आपने ये दबाना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखें ये इधर खुल जाएगा, आपके पास जितने पैसे होंगे वो आप इसमें डालें तो वो आपके अकाउंट में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये था पैसे डालने का तरीका। तो इसको चीज़ हो गया,
200 की है इसको, कार्ड बाहर आएगा अभी। तो दो हो गए आपके पैसे निकालने का और पैसे डालने का। अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरा, ये डाला इसने। तो अभी फ्रेंड्स ये जो है ना, ये है खेजा सोंगम, यानी कि अगर आप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ना तो आपने इसको दबाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये खेजा सोंगम हो गया, ठीक है। तो खुले केसों के लगातार जाने दें। इधर फिर आपने अपना जो है ना वो लगाना है, जो सीक्रेट नंबर है, ठीक है, ये लगाया। तो फिर सामने आ जाएंगे कि कौन सा बैंक है आपके पास ना। ये ऐसी है, उरियन है, नोंग्यो पे, छिबंग सेगम है, खियो पे, गुकमी ने, जो भी आपका बैंक होगा उसको आपने करना है सिलेक्ट। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आपने दबाना है थाम, यानी कि नेक्स्ट, अगला। तो इसलिए मैं जैसे करता हूँ कि उड़ी बैंक है मिसाल के तौर पे, ये उड़ी की है, तो ठीक है। इधर फिर वो कह रहे हैं कि ये देखें, फादे शिंगुनी खेजा बो नुरल नुरो चुशिपशो इमन्योग नेयोगी माजम्योन हकिंगल नुरो चुशिपशो। उसने कहा कि जो अगले बंदे का जिसने पैसे वसूल करने हैं उसका अकाउंट नंबर लिखो, जैसे मैं अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे मैंने लिखा अकाउंट नंबर, तो फिर हम इसको करेंगे हॉकिंग, हॉकिंग करेंगे तो फिर इधर आ जाएगा कि आपने कितने पैसे भेजने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद आपने उसको क्लिक कर देना है तो वो भी आपके पैसे उस अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अकाउंट ट्रांसफ़र करने का तरीका। फिर कार्ड निकाला, इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, अच्छा फ्रेंड ये जो लिखा हुआ है ना, ये कम छोवे, ये कम छोवे का मतलब है कि जो आपने पैसे इसमें विदड्रॉ करवाए हैं ना, जो डिपॉजिट किए हैं ना पैसे, उसका आपने इंक्वायरी करने के लिए कि पैसे हो गए हैं कि नहीं हुए, उसके लिए ये यूज़ होंगे। तो यही तकरीबन चार हमारे लिए जो है वो यूज़ होते हैं, तो आप ये चार पांच आपके लिए बहुत हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल में तो यही तीन चार चीज़ें होती हैं जो बंदे के लिए जो है ना मसला पैदा करती हैं। तो ये आपकी मैंने वीडियो बना दी है। सबसे पहले था क्या था पहला, सबसे पहले जो था मैंने आपको मेरे ख्याल में बताया चार लफ्ज़। एक था जो है ना ये गम छोवे, यानी कि जो आपने पैसे जमा करवाए हैं उसकी इंक्वायरी करना। उसके बाद दूसरा था जो है ना थोंगजंग छोंगनी के मतलब लगनी, मैंने आपको बताया एक वो मेरे जहन में बात रह गई है, जिस पर थोंगजंग छोंगनी लिखा होगा फ्रेंड्स। थोंगजंग छोंगनी का मतलब होता है कि अगर आप अपनी जो वो बैंक के मुतालिक जानना चाहें, वो आप उसमें अपनी जो बुक होती है थोंगजंग जो होती है वो आप अपनी डालेंगे तो वो उसमें आपकी सारी इंक्वायरी आ जाएगी कि आपने कहां कहां पैसे यूज़ किए, कितने पैसे यूज़ किए, किसको ट्रांसफ़र किए, जो जो कुछ किया ना वो सारे का सारा सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो था वो था खेजा सोंगम था एक, यानी कि अकाउंट ट्रांसफ़र करना। उसके बाद क्या था, खेजा सोंगम। उसके बाद था इक्कम कहते हैं फ्रेंड्स जो है ना पैसे डिपॉजिट करने को, ठीक है। और उसके बाद जो था वो था छुलगम कहते हैं विदड्रॉ करने को, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैं टाइटल लगा दूंगा साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आपने शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का मसला होता है कैसे इसको यूज़ करना है, क्योंकि इंग्लिश तो तकरीबन हर बंदा कर लेता है लेकिन कोरियन यूज़ करने में मसला होता है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।